हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डिटेल से बता रहे थे, आपके चैप्टर 11 चल रहा था। आज का जो साइंस का वीडियो है क्लास 7th के लिए है आपके, और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को हार्ट का डायग्राम है जो लास्ट वीडियो में कम्प्लीट कर रहे थे, लेकिन वीडियो शॉर्ट रह गया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हार्ट का जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके लेवल्ड नाम लिख रहे हैं। ठीक है, लेवल्ड कर रहे हैं। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 11। टॉपिक है हुम डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये डायग्राम आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बना लिया था, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर। ठीक है, इसके बाद आपने नाम लिखा थे, यहां पर लिख दीजिए ऑर्टा। इसके बाद लिखिए वेना कैवा, इसका नाम है वेना कैवा। ठीक है, चैम्बर्स के बारे में आप लोगों को बताई दिए थे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है राइट ऑरिकल, AURICLE। ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बाद ये है आप लोगों के राइट वेंट्रिकल। क्या है इसका नाम? राइट वेंट्रिकल, VENTRICLE। ओके, राइट वेंट्रिकल के बाद इधर आ जाइए, ये जो है आप लोगों के एक पार्ट तो इसका नाम लिखेंगे, सेकंड वाला हम इसका नाम लिखेंगे, थर्ड वाला हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा नाम पल्मोनरी आर्टरीज, PULMONARY आर्टरी, ARTERY। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। ठीक है, ये पल्मोनरी आप लोगों के वीन हो गया। पल्मोनरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये डायरेक्ट लंग्स में जाती है। किस में जाती है? लंग्स में। ओके, लेफ्ट ऑरिकल हो गया इसका नाम, लेफ्ट ऑरिकल, AURICLE, लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया आप लोगों के नीचे वाला पार्ट, ये हो गया आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलें आगे की तरफ। ठीक है, ये पार्टीशन कंप्लीटली, जो बीच का पार्ट है कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। ये क्या है? ये पार्टीशन है। क्या है? ये डिविजिबल बैंड बोल सकते हैं इसको, लिख दीजिएगा डिविजन बैंड, BAND, डिविजन बैंड का मतलब हो गया पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन मतलब ये अलग करता है। किसको अलग करता है? ये आपके ऑरिकल वाले पार्ट को, मतलब जो आपके ऊपर वाले ऑरिकल है और नीचे वाले वेंट्रिकल है, इनको सेपरेट करता है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ये हो गया आपके डायग्राम, देख लीजिएगा, ऑर्टा, वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, डिविजनल बैंड हो गया और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे की तरफ बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके एक्सक्रीशन। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, हेडिंग डालिए एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन इन एनिमल्स। ठीक है, जब हम लोग खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट भी करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद उसका क्या करेंगे? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उसको शरीर से बाहर भी निकाला जाएगा। और एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं? ठीक है, यानी कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, क्या होता है? द रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल ऑफ वेस्ट, WAST, वेस्ट मटेरियल, कि हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है, जिनका कोई यूज नहीं है, प्रोड्यूस्ड इन द सेल, प्रोड्यूस्ड इन द शेल्स। ठीक है, हमारी शेल्स में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ऑफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेल्स में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसे उत्सर्जन बोला जाता है, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, और इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो शामिल होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है उन्हें? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। अब ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो कैसे होगा मैं बता दूं। ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा देख लीजिएगा। ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है मैं आपको बता दूं, इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, क्या क्या होता है? एक तो यूरिनरी ब्लेडर होता है, किडनीज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है।
एक सेकंड मैं आपको डायग्राम बना करके बताऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, दोनों तरफ किडनीज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ किडनीज होती हैं, ओके, एक जैसी किडनी होती है दोनों तरफ। ओके, दोनों तरफ एक जैसी किडनी होती है, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से आप लोगों के निकालना होगा इसको बाहर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ओके। ऐसे ही इधर से निकालना होगा, ऐसे ही इधर से निकालना होगा, ओके। अब थोड़ा सा आप लोग क्या कर दीजिए, इसमें बैंड दे दीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसे ही यहां से आप लोग बैंड दे दीजिए, कैसे, इस तरीके से, ओके, ठीक है। नीचे जाकर के आपके ब्लेडर होता है नीचे, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लेडर होता है, ठीक है, इसकी शेप इस तरीके से होती है, देख लीजिएगा, इस तरीके से इसकी शेप होती है, ठीक है। ये यहां जाकर के ओपन होते हैं, ठीक है, अंदर जाकर के ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके जो मैं आपको यूरेटर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, यूरेटर के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से यूरेटर्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यूरेटर्स होते हैं, ठीक है, और एक इधर बन जाएगा यूरेटर, ठीक है, ऐसे ही यहां जाकर के ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, इस तरीके से आप लोगों को यहां से ये इधर निकल जाएंगे, ओके। सेकंड वाला चलते हैं, ठीक है, इसके साथ ही एक और होगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके, और इसके पैरेलल में ही होगा, ठीक है, आया समझ में, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से हुआ, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। और इसको यहां पर इधर जॉइंट कर देंगे, ठीक है, ये इधर जॉइंट हो जाएगा, ओके, ये इधर इस तरीके से फैले हुए रहते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, कई सारी ब्रांचेज होती हैं अंदर की तरफ, ओके, ठीक है। सेकंड वाले का देखिए, ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके, ठीक है, आया समझ में। ये ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये होती है किडनी आपके, इसे बोलते हैं किडनी, ठीक है। क्या हो जाएगी ये किडनी, ये हो जाएगा आपका यूरेटर, ये हो जाएगा यूरेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर। ये है आपके यूरिनरी ब्लेडर, यूरी नरी ब्लेडर, BLADDER, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। और इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, यूरेथ्रा, TH ER, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये हो जाएगा यूरिनरी ओपनिंग, क्या हो जाएगा, जहां पर यूरिनरी ओपनिंग, जहां पर हम टॉयलेट, ठीक है, जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा,
ये हो जाएगी किडनी, ये यूरेटर, दो नलियों का सेट होता है, पेयर ऑफ यूरेटर। ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लेडर, ये वाला पार्ट जिसमें जो यूरिन होता है वो ब्लेडर में आके फुल हो जाता है, ब्लेडर में आके भरने लग जाएगा, एक टंकी टाइप होता है। नीचे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के नीचे हम जहां जो हॉल पर जाकर खुलता है एक छेद होता है, ठीक है, एक पिन होती है, एक छेद होता है, उसे यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं। और ठीक है, तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है यूरेटर की, कैसी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, किडनी जो होती है ये प्योरिफिकेशन का काम करती है, ठीक है। किडनी जो होती है ये क्या करती है, फिल्टर करती है, क्या फिल्टर करती है, हमारा जो ऊपर से ब्लड आता है और ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल रहता है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल रहता है उस वेस्ट मटेरियल को तो सेपरेट करती है और ब्लड को प्योरीफाई करके अगेन ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देती है, और इसका काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। और ये वेस्ट मटेरियल आपके यूरेटर के थ्रू होता हुआ कहाँ बढ़ जाता है, कहाँ आता है ये वेस्ट मटेरियल, कहाँ आता है ये वेस्ट मटेरियल है जो आप लोगों के किस में आता है, नीचे यूरिनरी ब्लेडर में, जब तक आता रहेगा और इसके अंदर ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जो फिल्टर का काम करती है किडनी, जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसे तो वापस ट्रांसफर कर देती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इनके थ्रू होता हुआ इसके अंदर आ जाता है यूरिनरी ब्लेडर, और यहां से होता हुआ एक छेद के थ्रू खुलता है बाहर, ठीक है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया एनिमल्स। प्लांट्स की यदि बात करें तो जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, अगर प्लांट्स में बात करें, इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है एक वस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है, उस किसके थ्रू होता है, वस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है, ठीक है। और वस्कुलर टिश्यूज जो है वो आपके एक तो जाइलम, ठीक है, एक फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज का एक कॉम्बिनेशन होता है। जाइलम जो है वो किसका है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम किसका करता है, वाटर का, और किसका करता है, प्लस न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। और कहां से करेगा, ये जो ये ट्री है, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, और इसका ये स्टेम है, ठीक है, ये ट्री है और इसका क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, और इसकी रूट्स है ये नीचे, ठीक है, रूट्स है, तो ये सॉइल में जो रूट्स लगी हुई है, इसकी जो रूट्स है, ये रूट से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, पेड़ की पत्तियों तक, ठीक है, कहां से करता है, फ्रॉम रूट्स से, ठीक है, जड़ों से करता है, ठीक है, और कहां तक करता है, टू लीव्स, पत्तियों तक करता है, ठीक है। तो कौन करता है, जाइलम टिश्यू। फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है, फूड बनता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और खाना कौन बनाती है, लीव्स बनाती है, ठीक है। लीव्स कहां तक ले जाते हैं, लीव्स से, यानी कि फ्रॉम, ठीक है, लीव्स, और टू रूट्स, ठीक है, यानी कि स्टेम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से एक्सक्रीशन किसमें होता है, आप लोगों के प्लांट्स में। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं चैप्टर 12 की तरफ, ठीक है। तो आपके चैप्टर 11 कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर 12 की तरफ, यहां पर लिखते हैं चैप्टर 12, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर जो 12 है वो है आप लोगों के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि रिप्रोडक्शन जो होता है यानी कि एक प्रोडक्शन होता है नई ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, री, और री का मतलब होता है पुनः, यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, ठीक है, यानी कि बनना, उत्पन्न होना, ठीक है, या बोल सकते हैं उत्पन्न होना, यानी कि अपनी ही जैसी एक संतति का उत्पन्न होना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, ठीक है, किससे, एग्जिस्टिंग, EXISTING, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, ऑफ सेम
स्पीसी, एस पी ई सी आई ई एस, यानी कि अपनी ही जैसी स्पीसीज से, ठीक है, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, अपनी जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसी सेम स्पीसीज के नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के, एक तो होता है असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रीप्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल रीप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन दो टाइप के हैं, एक तो होता है असेक्सुअल, एक सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्लांट्स में होने, मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, यानी कि बिना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल में क्या होता है, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि मैं यहां पर लिख रहा हूं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि, और बोल सकते हैं सेक्स सेल्स, यानी कि इसमें सेक्स सेल्स का नो सेक्स सेल, ठीक है, यानी कि इसमें सेक्स सेल्स नहीं मिलती है, विदाउट यानी कि बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के होता है, और इसमें क्या होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, विद, यहां लिख रहा हूं मैं विद इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स, या फ्यूजन बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और बोल सकते हैं सेक्स सेल्स, इसमें आपस में मिल जाती है, ठीक है। आगे चलें, बात करें सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो हो गया टाइप्स के, ठीक है, दूसरा बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालते हैं और उसमें पढ़ते हैं, चार टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले है असेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस में, प्लांट्स में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये आपके फोर टाइप से, कितने टाइप के, फोर है। तो सबसे पहला तो होता है वेजिटेटिव, फर्स्ट है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके नाम बता रहा हूं मैं, वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव है बडिंग, ठीक है, अगला लिखे बडिंग, ठीक है, थर्ड के आप फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और फोर्थ लिखे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो चार हैं, वेजिटेटिव है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार प्रकार है, कितने, फोर टाइप है, वेजिटेटिव, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो लीव्स में होता है, जैसे पटेटो की लीव्स आपने पड़ी होगी, ठीक है, यानी कि एक नया प्लांट बनता है, इसमें क्या बनता है, एक न्यू प्लांट्स बनता है, ठीक है, किससे बनता है, किसी भी पार्ट से बन सकता है, ठीक है, किससे बनता है, आपके स्टेम से बन सकता है, ठीक है, और किससे बन सकता है, रूट्स से बन सकता है, और किससे बन सकता है, लीव्स से, ठीक है। तो यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो आपके तना हो, जड़ हो या पत्ती हो, इसे एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। अब जैसे कटिंग मेथड आपने देखी हो, किसमें, जैसे रोज में, ठीक है, रोज में कटिंग मेथड के थ्रू एक नया प्लांट बनता है, आप लोगों को पता है, पटेटो आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, इस तरीके से ये पटेटो होता है, ठीक है, और पटेटो की ये बड निकली हुई रहती है, इस तरीके से आपने देखी होगी इधर साइड में, ठीक है, इसे बोलते हैं बड, क्या बोलते हैं इसे, बड होती है पटेटो में, ठीक है। अगर मैं पटेटो को किसके अंदर लगा दूं भैया, सॉइल के अंदर, किसके अंदर लगा दूं मैं, इसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे गाड़ दिया मैंने, किसको गाड़ दिया, पटेटो को, ठीक है, ये क्या है, पटेटो, ठीक है। तो एक नई बड यहां लग जाएगी, क्या लग जाएगी, एक नई बड उग जाएगी, ये होती है आपके न्यू बड, ठीक है, ए न्यू, ठीक है, पटेटो, मतलब यहां पर एक नया पटेटो उगने लग जाएगा। अगर मैं इस सॉइल में क्या दू, बराबर मात्रा में क्या दू मैं इसमें, न्यूट्रिशन दू और पानी दू, ठीक है। अगला चलते हैं बडिंग, ठीक है, लीव्स में, और ये तो है स्टेम की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ये पटेटो क्या, कौन सा पार्ट होता है, स्टेम की हेल्प से एक नया पटेटो बन गया, ठीक है, कटिंग मेथड से एक ये स्टेम की हेल्प से हो गया, ठीक है। ब्रायोफिल्म में किसकी हेल्प से होता है, नाम सुना हो, ब्रायोफिल्म, ठीक है, पीएच, ब्रायो,
बी आर वाई डबल एल ब्रायोफिलम पी एच वाई डबल एल यू एम। ब्रायोफिलम में किसकी हेल्प से होता है? लीव्स की हेल्प से। अगला चलें ठीक है, बडिंग प्रोसेस ठीक है। सेकंड है बडिंग ठीक है। बडिंग में क्या होता है आपने सुना हो, यीस्ट में एक दुकान से जाते हैं यीस्ट लेते हैं ठीक है, ये होता है बडिंग प्रोसेस ठीक है इस तरीके से। तो रिप्रोडक्शन जो होता है यीस्ट के अंदर, बडिंग जो होती है यीस्ट के अंदर की, एक मार्केट से गए एक यीस्ट पाउडर लेकर आए ठीक है, हमने उसमें क्या डाल दिया, उस एक बीकर लिया, एक बीकर में पानी डाल दिया थोड़ा सा ठीक है, वाटर डालने के बाद हमने उसमें यीस्ट का जो पाउडर है वो यीस्ट का पाउडर डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से शेक कर लिया। शेक करने के बाद देखिए भैया उसकी में से ड्रॉपर की हेल्प से एक बूंद को निकाला, जो ड्रॉपर आता बच्चों को दवाई देते हैं उस ड्रॉपर की हेल्प से हमने एक बूंद को निकाला और कांच की स्लाइड पर रख दिया, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने उसे क्या किया, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने उसे ऑब्जर्व किया तो हमें इस तरीके से दिखाई दिया सेपरेट ठीक है। देख लीजिएगा फोर्थ स्टेज में ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ये सेपरेट हो गए, ऊपर भी सेपरेट होते जाएंगे ठीक है इस तरीके से, और एक चैन बन जाएगी देख लीजिएगा, एक चैन बन गई ठीक है इस तरीके से। तो ये बडिंग प्रोसेस है, कौन सी है बडिंग प्रोसेस है, इसे बोलते हैं डेवलपिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? डी ई वी ई एल ओ पी आई जी, डेवलपिंग बर्ड। एक डेवलप हो गई बर्ड इसके ऊपर ठीक है, इसे बोलते हैं न्यू बर्ड। क्या बोलते हैं इसे? न्यू बर्ड। तो ये यीस्ट का पाउडर है ठीक है, यीस्ट में होता है ये बडिंग प्रोसेस ठीक है, ये जो है ये यीस्ट शेल है, इसका नाम है वाई ई एस टी यीस्ट शेल। तो ये शेल देखिए धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इसे बोलते हैं बडिंग प्रोसेस ठीक है। क्या बोलते हैं? और यीस्ट कैसा है? सिंगल सेल होता है। कैसा सेल होता है? ये सिंगल सेल प्लांट है ठीक है। कैसा है? सिंगल सेल प्लांट है ठीक है। आगे चलें तो वेजिटेटिव हो गया, बडिंग हो गया ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें ठीक है, अभी आपके सेक्सुअली चल रहा है ठीक है। थर्ड है आपके फ्रेगमेंटेशन ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है इस तरीके से, आपने कभी लेयर्स देखी हो ठीक है, जैसे पानी रुक जाता है और पानी में कई बार काई छा जाती है ना काई, तो उसे बोलते हैं ग्रीन कलर की, आपने देखी हो कई बार ठीक है इस तरीके से ठीक है, काई छा जाती है इस तरीके से ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? और ये काई धीरे धीरे, मतलब ग्रीन कलर का जो रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है इस तरीके से, ये आगे चलती रहती है इस तरीके से भी, ये आगे बढ़ती रहती है, ये बढ़ता रहता है, इसे बोलते हैं मैच्योर ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मैच्योर स्पायरोगायरा। क्या बोलते हैं इसे? स्पायरोगायरा, जो पानी में तालाबों में आपको अक्सर देखने को मिलेगी, मतलब स्पायरोगायरा जो रिप्रोड्यूस होता है, ये स्पायरोगायरा में होती है, इन स्पाय ठीक है, रोगायरा जी वाई आर ए, स्पायरोगायरा जो ग्रीन कलर का रहता है, ये फ्रेगमेंट होगी। क्या होगी? अब इसका फ्रेगमेंट होगी, एफ आर ए जी एम ई एन टी, फ्रेगमेंट का मतलब है ये टूटेगी और बढ़ेगी। कैसे? एक पार्ट तो इसका ये बन गया ठीक है, एक पार्ट इसका ये बन जाएगा, एक पार्ट इसका ये बन जाएगा, इस तरीके से ये फैल जाएगी ठीक है, इस तरीके से ये फैल जाएगी, और फैलने के बाद पूरे पानी पर ये धीरे धीरे छा जाएगी, इसे बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। किस क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये मैच्योर होकर के दो या दो से ज्यादा पीस में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है। और नेक्स्ट आपके आती है फ्रेगमेंटेशन के बाद चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है भैया, कि मतलब जैसे आपने कई बार देखी हो इस तरीके से, ब्रेड देखी है आपने ठीक है, ब्रेड देखी होगी कई बार आपने ठीक है, तो ब्रेड में क्या होता है इस तरीके से, ब्रेड माउल्ड जो प्रोसेस होती है वो इसी की प्रोसेस है ठीक है, यानी कि इस तरीके से ठीक है। ब्रेड पर आपने फंगस देखी होगी कई बार ठीक है, देखिए फंगस देखी होगी ब्रेड पर कई बार आप लोग, तो वो फंगस लगने का कारण भी यही है ठीक है, और इस तरीके से ये फंगस लग जाती है अंदर ठीक है, और ब्रेड पर इस तरीके से छा जाती है ठीक है, पूरी ब्रेड पर ये धीरे धीरे लग जाएगी ठीक है। नीचे की तरफ जो मैंने दिखाया है, एक ब्रेड या रोटी आपने चपाती देखी हो इस तरीके से, चपाती, तो ये चपाती पर, पूरी चपाती पर ये फैल जाएगी ठीक है। नीचे की तरफ इसकी क्या होती है? रूट्स होती हैं, जैसे यहां पर ठीक है,
ये इस तरीके से इसकी रूट्स होती है जो नीचे की तरफ फैली हुई रहती है, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी रूट्स रहती हैं जो फैली हुई रहती हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। आपने चपाती को, ब्रेड को कभी नमी वाले जगह पर रखा होगा जहां पर मॉइस्चर है, ठीक है, इन ब्रेड के अंदर भी हो जाती है, ठीक है, या चपाती के अंदर। ये मतलब मॉइस्चर, ये किसके कारण होती है, मॉइस्चर, नमी के कारण होती है, किसके कारण फैलती है, मॉइस्चर। और इसके लिए टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, यानी कि हीट वाली जगह पर जहां पर नमी रहती है, शुष्कता रहती है वहां पर, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा इस तरीके से, ओके। तो यानी कि इसे बोलेंगे स्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम, ओके। और स्पोर केस है, इसे बोलते हैं स्पोर, SPOR, स्पोर केस, ठीक है। ब्रस्ट, BUST, जब ये फूटता है तो इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, स्पोर्स निकल जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे स्पोर्स निकल जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, ये फैल जाते हैं। फैलने के बाद ये तो हो गया इसका स्टेम, ठीक है, फैलने के बाद ये दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एक चपाती से दूसरी चपाती पर ये फैल जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं HYPHAE, हाइफे, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेड माउल्ड में होता है ज्यादातर, ठीक है, फंजाई, फ्लावरलेस, ठीक है, फंजाई बोल सकते हैं, ठीक है, और फ्लावरलेस प्लांट जैसे फर्न में, FERNS, फर्न्स में होता है, मॉसेज में होता है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। और ब्रेड माउल्ड प्लांट आपने सुना हो, ब्रेड माउल्ड, ठीक है, प्लांट में भी ये अक्सर होता रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। नेक्स्ट हेडिंग मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आप लोगों के, डाल दीजिए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन प्लांट्स, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लांट्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर, फ्लावर की स्ट्रक्चर आएगी इसके अंदर, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स आएंगे, पॉलिनेशन है, पेटल है, स्टेमन है, सेपल है, ठीक है, रेसेप्टिकल है, फर्टिलाइजेशन है, फ्रूट्स और सीड्स का किस तरीके से जर्मिनेशन, वो सब कुछ इसके अंदर आप लोगों के आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।